पिछड़ों की बात आती है, शिवराज सिंह सरकार एक नया फॉर्मूला लेकर आ जाते हैं। अब जब स्थानीय चुनाव होने हैं, पंचायतों के, नगर निकाय के, बहुत सारे चुनाव होने, जिसमें स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व में यह एजेंडा होता है, आपने गलत तथ्य मान्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जब हम 56% हमारी आबादी, तो 48% का आंकड़ा कहाँ से लाए? आगे नहीं आ रहा। कहाँ से आपने आंकड़े निकाले? कौन सा आपका सर्वे का पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश में आयोग बना हुआ, उससे आपने चर्चा तक नहीं की, जिसके अध्यक्ष जेपी द्रौपदी हैं, उनसे तो कोई चर्चा आपने की? आंकड़े कहाँ से लेकर आए? जब आपकी नीयत खराब है, जब आप गलत तथ्य, गलत आंकड़े माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये स्थिति बननी है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने की बात हमने की, जब हम सरकार में आए थे, बहुत स्पष्ट नियत के साथ में हम मध्य प्रदेश के पिछड़ों को देना चाहते थे। हमारा, हमको समय कम मिला, समय पूरा मिलता तो इस एजेंडे को मध्य प्रदेश में लागू हम करते हैं। ये जो हो रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस मध्य प्रदेश में पिछड़ों के साथ पुनः धोखा कर रहे हैं, बार बार धोखा करते आए हैं, और आप मोहन भागवत और संघ का एजेंडा मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। आपकी नियत खराब है, आपकी सरकार की नियत खराब है। आप इस सब सिस्टम को जो आज निर्णय आया है उसको लेकर माननीय सलाहकारों से, विधि सलाहकारों से चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष कोर्ट में होगा? आप लोग स्वागत कर रहे हैं फैसले का? आप लोग पक्ष में है कि जो चुनाव है बिना आरक्षण के? नहीं नहीं, आप पहले आरक्षण की बात करिए, फिर चुनाव की बात करिए। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कहना चाहता हूँ कि पहले आरक्षण होगा, उसके बाद चुनाव की बात होगी। रिव्यू पिटीशन लगाने की बात सरकार के लिए, अभी सीएम का भी बयान आया, तो अभी तक आप क्या करते रहे? इतने 2 साल हो गए, चुनाव नहीं हुए मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में सभी राज्यों में चुनाव हो गए हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि पहले आप, हमारा जो हक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।